मेट्रो को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मुवासना करे। हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरी में सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई जेल के कमरे में दो एसी लगवाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कीना अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं। लीगी सदर ने शाहिद खाकान को नफीस शख्स करार दिया। शहबाज सरकार के खिलाफ महाज की तैयारी, पीटीआई और जेयूआई के दरमियान दूरियां खत्म होने लगीं। मौलाना फजल रहमान के तहफ़ुज़ात बानी पीटीआई को पहुंचा दिए गए। बानी पीटीआई की तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अमीर जेयूआई को बानी पीटीआई का पैगाम भी पहुंचा दिया गया। मामला तय करने के लिए तीन तीन रुकनी कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। मुतफ़िक़ा हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इतफाक़ राय की सूरत में मौलाना फजल रहमान और बानी पीटीआई मुहाइदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवात में पावर शो, ग्रासी ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसे के इंतजामात मुकम्मल, जलसेगाह के चारों अतराफ 1000 पुलिस अहलकार तैनात। दौरान दर्द निका केस में सजा मौतली के लिए बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 3 फरवरी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा इस्तिखासा ने तजाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किया। इस शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जरूरी है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफद के हमराह चीन के तारीखी विरसे का दौरा। वज़ीर आज़म और वफद को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ सियाहत के फ़रोग पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का म्यूज़ियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। कहा, चीन के सदर के म्यूज़ियम के दौरे की दावत पर उनका बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद उन्हें सियाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास 10 जून को तलब। इजलास में सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। 13वें 5 साल मंसूबे पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में चारों वज़रा आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर शिरकत करेंगे। सहाफियों के तहफ़ुज़ात नज़रअंदाज, पंजाब असेंबली से मंजूर हत्तक-ए-इज़्ज़त बिल कानून बन गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के रुख्सत पर जाने के बाद कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने हत्तक-ए-इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में हत्तक-ए-इज़्ज़त कानून को चैलेंज कर दिया गया। कलदम करार देने की इस्तदा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A और आर्टिकल 25 जैसे आर्टिकल्स हैं, इनको वो वायलेट करता है। तो इसलिए हमने इस कानून को चैलेंज किया है और हमें बड़ी उम्मीद है कि अदालत जो है इस कानून को कालेदम करार दे दे। हम लाहौर हाई कोर्ट से ये मुतालबा करेंगे इस जो एक्ट को फौरी तौर पर कालेदम करार दिया जाए, क्योंकि शहरियों की आज़ादी को जो है किसी सूरत भी छीना नहीं जा सकता। हत्तक-ए-इज़्ज़त कानून को सहाफियों ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। हत्तक-ए-इज़्ज़त कानून काला कानून करार। लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जाहिद आबिद कहते हैं, हमें इस बिल पर तहफ़ुज़ात हैं। हुकूमत पंजाब ने गवर्नर पंजाब को छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से इसे मंजूर करवाया। हमें यकीनन तश्वीश है, आप समझ सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सिर्फ बात बयान तक नहीं है, इसमें हकीकत है। मेरा जो ताल्लुक़ ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों के साथ रहा है, वो बड़ा खूबसूरत है। मैं उसे बड़ा वैल्यू करती हूँ, ज़ाती तौर पर भी और पार्टी के लिहाज से भी। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफ़ियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी पर नहीं गए ताकि बिल पर कायम मुकाम दस्तखत कर सके? पीपल्स पार्टी ने तो सहाफियों का साथ देने की यकीन दहानी कराई थी, अब क्या मौकिफ है? जीटीवी न्यूज के शाजिया मरी से सवालात, पीपी रहनुमा का गोल मोल जवाब। कहा, हम हमेशा सहाफियों के साथ खड़े रहे हैं,
इस मामले पर इत्तफाक राय होना लाजमी था, काश ऐसा हो। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में भूत मुलाजमीन की तलाश, स्पीकर अयाज सादिक मुतहर्रिक, तमाम अफसरान और मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार दे दी। हाजिरी ना लगाने वाले 68 अफसरान और मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी, 7 दिनों में जवाब तलब। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 22 जून को पेश किए जाने का इम्कान, बजट का हजम 800 अरब रुपए तक होगा। गैर तरक्याती अखराजात 600 अरब, तरक्याती अखराजात 180 अरब रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 110, सेहत के लिए 90 अरब, अमन अमान के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का अक़वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंथनी गुतेरेस ने वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में अक़वामे मुत्तहिदा आम मिशन्स के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इकदामात के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। पंजाब भर में मार्केट से ईदुल अजहा तक पीर से जुमेरात रात 12 बजे तक, जुम्मे से इतवार रात 1 बजे खुली रहेंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने इस मोक्तदारू केस में मार्केट्स के औकात कार बढ़ाने से मुतालिक तहरीरी हुक्म नामा जारी कर दिया। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स निज़ाम ऑनलाइन और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का आला सतह का अजलास। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर 82 अफसरान को नोटिस जारी। कोताही बरतने वाले एक्साइज मुलाजमीन की मअतली समेत तादीबी कार्रवाइयों की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन बोले, गैर रजिस्टर्ड और निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाना जुर्म है, इस सिलसिले में कानून साजी की जाएगी। साहनी स्मगलिंग फ्रॉड धोखाधड़ी का केस, एफआईए की सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की सदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बर्नी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी। कमसिन लड़की की अदम बाजियाबी पर सिंध हाईकोर्ट बरहम, जेआईटी तश्कील देने का हुक्म। पुलिस की गफलत पर कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। 2 हफ्तों में लड़की बाजियाब करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लड़की की वालदा की दुहाई पर जस्टिस नेमत ने कहा, फिक्र ना करें, लड़की हर सूरत बाजियाब होगी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे सेहत में असलाहत के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर टास्क फोर्स के चेयरपर्सन होंगे। 10 रुकनी टास्क फोर्स के तमाम मेंबरान बैरून ममालिक में डॉक्टरी की तालीम से फारिगुल तहसील अफराद को शामिल किया गया। महकमे सेहत की पॉलिसी साज डी जी सेहत और सेक्रेटरी सेहत नज़रअंदाज। ज़ियारत की तहसील संजावी और गिरदोनवा में बारिशों और यालाबारी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में बहकर एक शख्स जान बहक। रेले में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद को मकामी लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। शदीद बारिश और यालाबारी से खड़ी फसलें तबाह, जमींदारों को करोड़ों नुकसान रुपए का नुकसान। यालाबारी से सैकड़ों मवेशी हलाक। दूर दराज पहाड़ी इलाकों से तमाम राबता सड़कें बंद। 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत के बाद अक़्वामे मुत्तहिदा को होश आ गया। फ़लस्तीनी बच्चों पर ज़ुल्म सितम ढाने पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अक़्वामे मुत्तहिदा के फैसले पर इसराइल तिलमिला उठा। सहूनी वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अक़्वामे मुत्तहिदा ने हमास का मौक़िफ़ अपनाया और ख़ुद को तारीख की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सदर ने कहा कि यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की जरूरत नहीं, खुद मुख्तारी और मुल्क की सलामती को खतरा हो तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। मगरबी ममालिक के मजमू एटमी हथियार भी रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते।
डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म मेट फ्रेडरिकसन पर दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में हमला। चहलकदमी के दौरान हमलावर ने वज़ीर-ए-आज़म को घूंसा मारा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। शाहीनों के लिए डू और डाई की सूरत हाल। टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुआरका। कौमी स्क्वाड के न्यूयॉर्क में डेरे, रिवायती हरीफ कल टकराएंगे। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम का अगले राउंड में पहुंचना नामुमकिन। मैच कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टी20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। 107 रन के जवाब में कीवी 16वें ओवर में 75 रन पर ढेर। फजल हक फारूकी और राशिद खान की तबाह कुन बॉलिंग, 4-4 विकेटें हासिल की। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में बंगाल टाइगर्स ने लंका ढा दी। सनसनी खेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त। 125 रन का हदफ बांग्लादेश ने 8 विकेटों पर हासिल किया। और ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं राजनपुरी बकरों की मांग तो कहीं साहिवाल नस्ल के बैल के चर्चे। खरीदारों का पैसे कम करने पर इसरार, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। पेशावर की मवेशी मंडी में सरदार ने एंट्री दे दी। वजन 25 मन, कीमत 24 लाख।